साथियों, आज जब मैं आपके बीच आया हूँ, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूँ, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा। कम से कम 80 दिन से ये घटना घट गई। इस 80 दिन में भी उन्होंने बहुत से जगह अपने चुनावी प्रचार के भाषण करते फिरे। अरे, चुनावी प्रचार चुनाव आने के बाद करो, लेकिन सरकारी पैसे पे चुनावी भाषण करते फिरते हो। लेकिन मणिपुर के जो इतना बड़ा दंगा हो रहा है, लूट हो रहा है, फसाद हो रहे हैं, तो महिलाओं की इज्जत जा रही है, घर डिस्ट्रॉय हो रहे, कार जल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री अनदेखी कर रहे हैं। इसका मतलब यही है कि वो किसी ऐसे दुखद घटना में शरीक होकर लोगों को समाधान करना और उनका समस्या को सुलझाना नहीं चाहते। जो हमारी मांग थी, 26 पार्टियों की मांग, जो इंडिया जो बनाए हैं, इंडिया को 26 राजनीतिक दलों की मांग थी कि रूल 267 तहत सभी बिजनेस को सस्पेंड किया जाए और मणिपुर में जो स्थिति पैदा हुई है 3 मई से, उस पर चर्चा की जाए, प्रधानमंत्री एक बयान दें और इस बयान के आधार पर ये चर्चा लोकसभा और राज्यसभा में होनी चाहिए। इस मांग को नजरअंदाज किया गया, हमारी सुनवाई भी नहीं हुई। इनमें से कोई अगर मंत्री की बेटियां होती, कल कोई भी हो सकता है, आप या मैं हो सकती हूं। सोचिए हमारे परिवारों पे क्या बीतेगा अगर इसी तरीके से हमारे कपड़े निकाले जाए और अगर इसी तरीके से हमें नंगा परेड कराया जाए। मणिपुर से आने वाले वीडियो को देखकर कलेजा नहीं फटता है, रूह नहीं कांपती है, दिल नहीं दहलता है, मानवता नहीं शर्मसार होती है। मणिपुर से आने वाले वीडियो को देखकर लगता है कि इस देश में चलती फिरती और सड़ी गली लाशें हैं। और असलियत यह है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने सत्र से पहले 8 मिनट 25 सेकंड का संबोधन किया और मणिपुर के लिए उनके पास मात्र 36 सेकंड थे। मणिपुर की बात पर वो कहते हैं कि उनका दिल दुख से भरा और क्रोध है। मणिपुर पर वो कहते हैं कि इससे देश 140 करोड़ लोगों की बेइज्जती हो रही है और उसके बाद वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर घिनौनी गंदी राजनीति करने लगते हैं। शर्म आनी चाहिए मोदी जी आपको, आप एक निर्लज्ज और कायर प्रधानमंत्री हैं। उस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके पास मात्र 36 सेकंड का वक्त है और आप सभ्य समाज की दुहाई दे रहे हैं, तो दुर्भाग्य है इस देश का कि आप इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। कहा गया है कि हम देश भर में अमृत महोत्सव मनाए जा रहे हैं। किस बात की महोत्सव? मणिपुर मेरी भारत माँ की एक अंग जल रही है। कितने दिनों से ये आग लगी हुई है। प्रधानमंत्री मौन व्रत और सारा कैबिनेट गूंगे और बहरे बन के बैठे हैं। मणिपुर में मेरे बहने, मेरे बेटियां, इनकी हालात क्या है, क्या दिख रहा नहीं है? इस देश के बेटियां हैं। बेटी बचाओ, आपने कहा था बचाइए। एक आदमी जो अपने आप को विश्व गुरु कहते हुए पूरे विश्व में इठलाता हुआ घूमता है, उसका मुंह 78 दिन तक नहीं खुला, चुप रहा। आज बोले तो 36 सेकंड के लिए बोले मणिपुर पे, वो भी कब? जब सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया। प्रधानमंत्री जी, जबान चलाने से देश नहीं चला करते हैं। देश चलाने के लिए, देश का नेता बनने के लिए दिल होना चाहिए और दिल में देश के लिए एक जगह होनी चाहिए, वो दिल देश के लिए धड़कना चाहिए। माफ कीजिएगा, आपका दिल इस देश के लिए नहीं धड़कता। बिल्किस बानो पे जो चुप रहे, वो मणिपुर पे क्या बोलेंगे? 86 दिन के बाद आज प्रधानमंत्री का मुंह खुला, उन्होंने चुप्पी तोड़ी मणिपुर वायलेंस पे। महिलाओं के साथ जो वहशियाना हरकतें हो रही हैं, जो राक्षस टाइप के लोग भी नहीं करते हैं, 86 दिन के बाद मुंह खुला, लेकिन राजनीति की, 140 करोड़ जनता का प्रेशर से मुंह खुला।